हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू और पोहे से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। इसको आप नाश्ते की तरह बना सकते हो मॉर्निंग में, या फिर आप इसको शाम के चाय के साथ बनाइए। काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में और इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाना इतना आसान है, आप देखते इसको तुरंत ही बनाएंगे और खाने में सच में यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको काफ़ी पसंद आएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ मैंने 6 आलू लिया है मीडियम साइज़ का, इसको हम मैश कर लेंगे। तो आलू को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। और यहाँ मैंने एक कटोरी पोहा लिया है, इसको मैंने धो लिया है पहले, तो धो करके मैंने इसको ले लिया है और ये फूल चुका है अच्छे से। तो ये डाल देंगे इसमें हम। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है अच्छे से। इसको आपको बारीक काट लेना है। सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। और एक चुटकी हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये है आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर चिली फ्लेक्स, एक चुटकी जो है यहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, इससे चटपटा सा स्वाद आता है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसका हम अच्छे से डो जैसा इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जब भी हम कभी आपको नया वीडियो डालेंगे तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए और नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसको मिला लिया है, अब इसका हम टिक्की तैयार कर लेंगे। तो गोल गोल पहले आपको लड्डू जैसा इसको बना लेना है और फिर इसको चपटा कर देंगे। तो सारी टिक्की यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर सारी टिक्की बना करके तैयार कर लिया है। चलते हैं इसको हम तलने के लिए। गैस पर रखेंगे यहाँ पर एक फ्राई पैन, इसको आप तवे पर भी तल सकते हैं। बस हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक चम्मच, पूरे पैन में हम इसको फैला देंगे। और गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर सारी टिक्की एक बार में, जितना आ जाए पैन में। तो पूरे पैन में हम डाल देते हैं और अब इसको एक साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक और अच्छा क्रिस्प होने तक इसको तलना है। तो यहाँ देखिए, एक साइड से ये अच्छे से क्रिस्प हो गया है, इसको हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी ऐसे ही क्रिस्पी होने तक इसको हम तलेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, इसको लो पे या फिर लो टू मीडियम पे ही रखें, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप इसको लो फ्लेम पे ही आराम से अच्छा क्रिस्पी होने दीजिए। अगर आप लो पे पकाएंगे तो काफ़ी अच्छा क्रिस्पी बनेगा। ऊपर से भी एक चम्मच हम तेल और डाल देंगे उस साइड से और अच्छा क्रिस्प होने देते हैं हम इसको। तो ये देखिए, यहाँ पर दोनों ही साइड से काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है और काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी हो चुका है ये। तो एक बार तलने में इसको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है, 2 से 3 मिनट एक साइड तलने में लग जाता है। तो चलिए, ये तो रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और चलते हैं हम इसको सर्व करने के लिए, क्योंकि ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, सुपर टेस्टी हमारा आलू की टिक्की गर्मा गर्म यहाँ पर तैयार है। साथ में यहाँ पर मैंने बना लिया है चटनी लाल वाली, इसको आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी या फिर
टमाटो केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, किसी के साथ भी काफ़ी बढ़िया लगता है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ बनाइए, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करना, सच में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और यहाँ मैं आपको तोड़ कर दिखा दे रही हूँ, अंदर से बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है कहीं से भी। अच्छा क्रिस्पी होने तक मैंने इसको पकाया है, अच्छा क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।